नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बेहद बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हां साथियों, दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है, जिसमें साथियों रेलवे साथियों पुलिसकर्मी जवान ट्रेन से कट गए। जी हां साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है मुरैना से। तो साथियों स्वागत है आप सभी का आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल निशान सुरेंद्र न्यूज में। साथियों मुरैना जिले के सात रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर दो आरपीएफ जवानों की मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों ड्यूटी पर थे और ट्रेन की चेकिंग चेक कर रहे थे। घटना मंगलवार रात करीब 8:30 बजे की। घटना के चश्मदीदों के जांच में सामने आया कि दो ट्रेनें आमने सामने एक साथ आ जाने से आरपीएफ जवान हादसे का शिकार हो। सामने से आ रही ट्रेन की हेडलाइट उन पर पड़ी, तेज रोशनी के चलते उनकी आंखें चुंधिया गई और इतने में ही दिल्ली से चेन्नई जाने वाली ट्रेन 12-270 दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। बता दें कि सामने से आ रही ट्रेन की वजह से पीछे से आ रही ट्रेन की ओर ध्यान नहीं दे पाए। मारे गए हेड कांस्टेबल का नाम अशोक कुमार भाटिया, जिनकी उम्र 55 साल, नवराज सिंह जिनकी उम्र 40 साल, दोनों यूपी के रहने वाले थे। हादसे को लेकर एक अन्य बात भी सामने आई कि पैसेंजर ट्रेन को चेक करने के बाद जब दोनों जवान ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो पीछे से आ रही दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में जवान अशोक भाटिया की राइफल फंस गई, जिसके चलते वो ट्रेन के साथ 100 मीटर तक घसीटते हुए चले गए। घटना के बाद उनकी राइफल ट्रेन के इंजन में ही फंसी मिली।